आपसे इससे पंगा नहीं लेते ब्रो, आपसे इससे पंगा नहीं लेते। तो कैसे ऑक्सीजन फिर भाई, ऑक्सीजन आज का बीच में कौन का लीडर बोर्ड रैंकिंग गैम्बल वीडियो लेकर 3 दिन बाद आज वीडियो आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे वीडियो क्यों नहीं आ रही थी उसका रीजन मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे तुम्हारे भाई की फैमिली में एक शादी आ चुकी है, उसकी वजह से काफी ज्यादा शेड्यूल बिजी हो चुका है और काफी सारी दिक्कतें भी हो रही है मुझे। और यहाँ पे कल मैं वीडियो ला सकता था बट यहाँ पे मैं नहीं ला पाया, उसके लिए भी सॉरी। और यहाँ पे अभी थोड़ा लेट बोल रहा हूँ बट हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी गोवर्धन। और आपका कैसा रहा दिवाली का दिन कल का वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ गेम प्ले की बात की जाए तो गेम प्ले एक नेक्स्ट लेवल गेम प्ले होने वाला है जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जैसे कि आप एस पे हो, एस मास्टर पे हो, एस डोमिनेटर पे, तो कैसे आपको खेलना। जैसे कि ये वाला आईडी मैं खेल रहा हूँ एक भाई का। अब यहाँ पे आपको पता होगा न्यू वीक लग चुका है और आपके पास मौका है मेरी फैन लिस्ट में आने का और साथ में खेलने का। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, वीकली पॉपुलरिटी के अंदर टॉप 3 के अंदर आपको रहना है। और यहाँ पे मैं खुद आपको रिक्वेस्ट भेजूंगा और साथ में खेलूंगा। अब सोचो मत, करेक्टर आईडी आपको डिस्प्ले पर दिख रही है। जल्दी जल्दी जाओ और जितना ज्यादा हो सके तुम्हारे भाई को पॉपुलरिटी सेंड करो, बैटल जिताने के लिए थोड़ा सा हेल्प करो गाइस। जाओ और पॉपुलरिटी आपके भाई को सेंड करो। एक नेड आया टेकडाउन में और यहाँ पे टीममेट भी मेरा टेकडाउन। अब यहाँ पे अभी तक तो ठीक था, देखो यहाँ पे ये बंदे आते हैं हमको मारते नहीं, मेरा माइक ऑल पे नहीं था अभी तक। बट यहाँ पे मैं देखता हूँ ये बंदे मार क्यों नहीं रहे मुझे। यहाँ पे मैं जैसे ही माइक ऑल पे करूंगा ना, देखना ये बंदा क्या बोलता है। और यहाँ पे जो रिवेंज नाम की चीज होती है, बाप से ऐसे पंगा नहीं लेते ब्रो, बाप से ऐसे पंगा नहीं लेते। वो देखो कैसे इस बंदे से रिवेंज लेते हैं अपन। यहाँ पे कोई बात नहीं है, इस वाली इवेंट में फिनिश होता हूँ अपना भाई। अपने को अच्छा खासा सर्वाइव, अच्छा खासा किल, अच्छा खासा एक बढ़िया सा प्यारा सा चिकन निकाला था हाई किल्स के साथ। और अच्छा सर्वाइव के लिए मैं आता हूँ सीधा इधर की साइड। अब यहाँ पे मुझे लूट करनी थी, लूट चाहिए थी, इधर की साइड आता हूँ, थोड़ा होल्ड करता हूँ, देखता हूँ बंदे वगैरह तो नहीं है ना। अब यहाँ पे ऑलरेडी फाइट चल रही थी, यहाँ पे एक प्यारा सा किल चुराया, दूसरे बंदे का स्प्रे आता है, यहाँ पे बंदा टेक डाउन था, उसको मैंने यहाँ पे फिनिश किया। और यहाँ पे टीममेट को बोलता हूँ शायद मेरे हिसाब से यहाँ पे एक ही बंदा है क्योंकि नोक वाले बंदे को मैंने मारा और उस बंदे ने किसी और बंदे को मारा है। यहाँ पे आता हूँ, गाड़ी लगाई और यहाँ पे मिनी मैप के अंदर दिखते तो वैसे यहाँ पे 4 बंदे हैं बट थोड़ी देर में 3 हो जाते हैं। और यहाँ पे अब देखना कैसे यहाँ पे इस इवेंट पे हम फाइट क्लियर करते हैं और कितना पेशेंसली यहाँ पे आपको मेरा सर्वाइवल देखने को मिलेगा। देखते जाओ, यहाँ पे आया, अब थोड़ी बहुत लूट करी, गाड़ी उठाया जैसे इधर आया, पीछे से बंदे का फुट साउंड आता है, एक बार के लिए लगा बोट है ये सोचकर हम रुक जाते हैं और लग भी रहा था कि बोट ही है। अब यहाँ पे भाई ये बंदा होता है और नेक्स्ट लेवल वाला भाई फुट साउंड दे रहा था, मतलब एक्चुअल में लग रहा था कि बोट ही है बट यहाँ पे ये बंदा होता है। अब देखते जाओ, यहाँ पे हम काफी देर सर्वाइव करते हैं, इसका दूसरा बंदा जो फिनिश किया था मैंने वो भी यहाँ पे रिकॉल होके आ जाता है और यहाँ पे सामने साइड स्मोक हुआ। अब सामने वाला बंदा जो कि इसका आया था रिकॉल होके, वो टेरिस पे होता है सामने। एक बंदे को टेक डाउन किया, दूसरे बंदे ने मुझे 10 HP किया, टीममेट को मैंने बोला होल्ड कर। अब यहाँ पे केड़े वाले शेष होते हैं, इनको फिनिश किया। अब यहाँ पे एक बंदा बचा हुआ था, अब वो बंदा कैम करके बैठ जाता है। यहाँ पे उस बंदे पे हमको रश नहीं मारना था, उस बंदे को हम पे रश मारने देना था। तो यहाँ पे हम हल्का सा फॉल बैक लेते हैं और मुझे पता था बंदा ढूंढते हुए जरूर आएगा ओवर कॉन्फिडेंस में। और यहाँ पे देखते जाओ क्या होता है, ये बंदा आता भी है और इस बंदे की गलती इसको कितनी भारी पड़ती है वो भी आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आप में से जिसको भी पुश वगैरह करवाना हो, जिसको पॉइंट चाहिए 400-500, जिसका बजट ठीक हो पे करने का, वही बंदा मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, इंस्टाग्राम का लिंक। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पे जाओ डीएम करो, तुम्हारा भाई रिप्लाई करेगा, थोड़ा डिले होगा बट रिप्लाई आपको जरूर मिल जाएगा। यहाँ पे ये बंदा आता है रश मारने के लिए, बंदा सामने की साइड आता है और हल्का सा पीछे भागता है ये। अब बंदा मुझे दिख चुका था कि भाई कंटेनर के पीछे बंदा है, मैंने मोली फेंकी और देखो
जैसे ही भाई साहब पीछे जाने की ट्राई करते हैं अंदर, सीधा इस बंदे को फिनिश किया। और यहाँ पे अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया वो जरूर चेक कर लेना, और जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ऑक्सीजन फैमिली मेंबर बन जाओ। यहाँ पे जोन के बाहर हम सर्वाइव करते हैं। अब जैसे ही यहाँ से निकलने की सोचते हैं तभी देखो नाम नोटिस करो, कौन है ये? ये वही ही बंदा है जिस बंदे ने यहाँ पे हमें फिनिश किया था, या फिर हमको बोला था उल्टा सीधा, आपने सुना होगा वो क्लिप। अब देखते जाओ यहाँ पे टीममेट मेरा अंदर लेके आता है, मुझे रिवाइव करता है। यहाँ पे जैसे ही मेरा टीममेट मुझे रिवाइव कर रहा होता है तभी भाई ये जानवर भी और सामने वाले का टीममेट भी आ जाता है। थैंक यू, मैंने यहाँ पे रिवाइव लिया, तभी वो बंदा आता है अपने टीममेट को रिवाइव करने के लिए और रिवाइव कर भी देता है। और अब देखते जाओ यहाँ पे क्या होता है। एक बंदे को टेक डाउन किया, हील मारता हूँ, तभी मेरा टीममेट दूसरे बंदे को सीधा टेक डाउन फिनिश देता है। और यहाँ पे आके इसको थोड़ा सुनाता हूँ मैं। अब यहाँ पे ये बंदा बोलता है मारना मारना मार के दिखाना, यहाँ पे इसका रिकॉल हम वेस्ट करते हैं, उसको ट्रोल भी करते हैं, पर फाइनली बंदा फिनिश होता है। यहाँ पे इसकी औकात इसको बताते हैं, जो कि नहीं बोलना चाहिए किसी को मार के ऐसा है। यहाँ पे इस बंदे को दिखाया, और यहाँ पे इसका टीममेट जो होता है वो लास्ट जोन में देखना कैसे प्ले जोन से फिनिश होने वाला थोड़ी देर के बाद। यहाँ पे हम गाड़ी उठाते हैं और सीधा निकलते हैं जोन में पोजीशन लेने के लिए। और अब देखो जो भाई कैंपिंग कहते हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल कैंपिंग आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे गाड़ी लेकर हम निकलते हैं, जाए रहते हैं, तभी घर के अंदर गाड़ी भी है और दो बंदे भी हैं। अब टीममेट को मैंने एक ही कॉल दी थी, भाई जितने थ्रोवेल से सारे के सारे यूज कर ले, ऊपर मत जाना जब तक एक नोक ना निकल जाए। यहां पे आया तभी बंदे ने भाई डैमेज दिया, टीममेट ने एक टेकडाउन निकाला बंदा, और बाकी रहा काम मेरा, नेट कर देता पूरा। यहाँ पे इन दोनों बंदों को फिनिश किया, और यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड भी करते हैं, और किल हमारे पास ठीक ठाक वाले थे। अब यहाँ पे हमें सर्वाइव के लिए निकलना था और पोजीशन लेनी थी जोन में अच्छी खासी। जोन देखो कितना छोटा हो चुका है, सीधा टीममेट को बोलता हूँ बग्गी उठा, और अब अपने को जोन में पोजीशन लेनी है। सीधा बग्गी उठाते हैं, और यहाँ पे देखो जोन में मैं कैसे पोजीशन लेता हूँ और कैसे सारे के सारे रोटेशन लेने वाला हूँ। इस जोन के अंदर बंदे भी नेक्स्ट लेवल अच्छे खासे अलाइव बचे हुए थे। यहाँ पे आया बग्गी लेकर सीधा, और अब देखो ओके जोन कटा, और भाई जोन हमसे निकल जाता है। बंदे अभी भी ठीक ठाक अच्छे वाले बचे हुए थे, जोन में पोजीशन लेने के लिए हमको निकलना था। सामने की साइड काफी गलत वाली फाइट हो रही है, और यहाँ पे मैंने टीममेट को कॉल दी कि भाई अपने को निकलना है जोन में पोजीशन लेने के लिए। अब देखते जाओ यहाँ पे फाइट जो होने वाली है। बग्गी आगे साइड निकली, और देखो यहाँ पे क्या होता है इस बग्गी वाले बंदे के साथ। बंदे को टेकडाउन दिया, और टीममेट को मैंने बोला भाई सीधा इस पे रश करना बनता है, और यहाँ पे पोजीशन भी लेनी है, और सीधा हम रश मारते हैं इन बंदों पे। अरे बाप रे डीवीएस, टीममेट टेक डाउन, और यहाँ पे एक बग्गी का रश, यहाँ पे फटाक से टीममेट को बुलाता हूँ ऊपर आ जाओ, और यहाँ पे इसको रिवाइव करता हूँ। तभी आसपास काफी गलत वाली फाइट भी होती है स्टार्ट, और यहाँ पे जोन भी कहीं ना कहीं थोड़ी देर में हमसे निकलने वाला था, और जोन में पोजीशन लेने के लिए भी हमें निकलना था। सामने की साइड बंदा दिखा,
बंदे को टेकडाउन दिया। अब यहाँ पे आपका टीयर वगैरह अगर एस पे, एस मास्टर पे, क्राउन पे भी हो ना, तो आप इस टैक्टिक से अगर खेलोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ गाइस, इजी है एक अच्छा खासा प्लस निकालना। बट हाँ, तरीका आपका थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके अकॉर्डिंग भी आपको बनाना पड़ेगा खेलने का, मतलब टैक्टिक वगैरह गेम में आप किस टाइम क्या रोटेशन ले रहे हो, किस टाइम कहाँ पे पोजिशन ले रहे हो और किस टाइम कैसे बंदों से आप फाइट ले रहे हो, वो सारी की सारी चीजें मैटर कर जाती है कॉन्कर लॉबी के अंदर अच्छा खासा प्लस निकालने के लिए, फिर अच्छी पोजिशन निकालने के लिए। तैयारी आपकी कहीं ना कहीं हर जोन के अंदर एक अच्छी होनी चाहिए। कि आपको अब क्या करना है और अब कैसे रोटेशन लेना है या फिर अब कैसे फाइट लेनी है, मैटर कर जाता है कौन सा जोन है, कैसी फाइट निकालनी है और कैसे आपको रोटेशन लेना है, जोन बाय जोन डिपेंड हो जाता है। यहाँ पे अभी हमारे साथ 3 बंदे बचे हुए थे, यहाँ पे मुझे पक्का डाउट था राइट एंड साइड कोई ना कोई तो बंदा होगा क्योंकि उधर फाइट हो रही थी और दो बंदे सामने मैंने स्पॉट कर ही लिए थे ऊपर की साइड। ये बंदा हल्का सा रेंगता हुआ दिखता है, इस बंदे को सीधा फिनिश दिया सामने की साइड, टीममेट को कॉल दी कि दो बंदे वही हैं। अब यहाँ पे मैं फ्लैंक ले लेता हूँ हल्का सा और अब यहाँ पे जो आपको प्यारा वाला एक खतरनाक सा 1v2 देखने को मिलने वाला है और सेकंड वाला किल वो देखकर तो आप पागल हो जाओगे या फिर चीटर घोषित कर दोगे आप अपने भाई को देखते जाओ। सामने की साइड से बंदे ने स्मोक किया, पेड़ पे बंदा होता है, यहाँ पे एक नेड फेंकता हूँ सीधा मैं, बंदा रोक हुआ और एक और नेड फेंकता हूँ, भाई साहब कैसा लगा ये वाला सेकंड वाला किल वो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके एक बार रिपीट करके जरूर देखना। और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे अमेजिंग डुओ कॉन्कर लॉबी गेम प्ले के साथ। आपकी रैंक बताना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो जरूर कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी जाओ फॉलो करो और तुम्हारे भाई को पॉपुलरिटी जरूर सेंड करो। Victory belongs to us.